तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सिर्फ एक फंक्शन दिख रहा है जो इजिली इंटीग्रेबल नहीं है, तो क्या किया जाए? एक और फंक्शन चाहिए, उसके लिए हम लोग वन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और वन एल्जेब्रिक के कैटेगरी में आता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिक्वेंस आइलेट के सिक्वेंस में सबसे पहले है, तो इसे फर्स्ट एज्यूम करेंगे, और एल्जेब्रिक वन एल्जेब्रिक हुआ इसे सेकेंड एज्यूम करेंगे ना। तो बाई पार्ट का फॉर्मूला आप प्लेस कर दीजिए, क्या होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, और फिर फाइनल डी एक्स हो गया इस इंटीग्रल के लिए। ठीक है, अब वन का इंटीग्रल तो आपका एक्स हो जाएगा, तो इट कुड बी रिटेन एज एक्स टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या है आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम अलग से कर दे रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब सीक्वेंस सोचिए फंक्शन का, कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की कैटेगरी है, लेकिन फंक्शन का सीक्वेंस क्या, आउटर फंक्शन क्या है आपका। तो अगर एक्स की कोई वैल्यू प्लेस करते हो तो पहले साइन इनवर्स ऑपरेट हो रहा है, और साइन इनवर्स के बाद जो भी वैल्यू आएगी स्क्वायर ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब सबसे आउटर फंक्शन आपका स्क्वायर है। तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन होता है, टू माइनस वन, तो ये वन हो जाएगा, और अंदर जो भी हो लिख देंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो वो लिख देंगे। अब फिर क्या होगा, ये हो गया डिफरेंशिएट, दूसरे नंबर पे आपका साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट होगा, उसका डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सबसे इनर फंक्शन था, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वन का इंटीग्रल आपका एक्स आ जाएगा डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक, अब देख लीजिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये जो टू है इस चीज को यहाँ लिख लीजिए टू एक्स, टू यहाँ से हटा देते हैं, और देखिए इसका डेरिवेटिव जो है, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स होगा, तो माइनस नहीं है यहाँ पे, तो माइनस हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं माइनस, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई मतलब प्लस हो जाएगा इन टू है, ठीक है, इसको इसके नीचे कर लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन इनवर्स एक्स हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा आपके पास एल्जेब्रिक है, ठीक है, जो इजिली इंटीग्रेबल है। इसलिए इजिली इंटीग्रेबल है क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स जो हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था, खैर इसमें नहीं एडजस्ट किया था, ठीक है, इसको एडजस्ट करके किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आगे फर्दर फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, या तो अलग हम इसे आई वन मान लेते हैं, ठीक है, और आई वन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा आई इक्वल्स टू से एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और प्लस आई वन हो गया से इक्वेशन नंबर वन, और आई वन को आप साफ सुथरा पहले से अलग से सॉल्व कर लीजिए, तो इंटीग्रल आप क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जाहिर सी बात है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला आएगा फंक्शन और ये सेकेंड हो जाएगा, तो बाई पार्ट लगा दीजिए आप, बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रल ऑफ, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले रहे हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया आपका फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रल ऑफ आपका सेम इंटीग्रल जो भी है वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू एक्स डी एक्स, और ब्रैकेट डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और इसका एफ एक्स की पावर एन है तो टू टाइम्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। उसके बाद अच्छा इससे पहले ये क्या आ जाएगा फिर इसका माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से फिर टू टाइम्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ये पार्ट इसे कैंसिल हो गया, सिर्फ टू बचा, टू कांस्टेंट है बाहर ले आए, है ना, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा अंदर, वन बचा, ठीक है। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो वन का इंटीग्रल एक्स आ गया, तो ये आ गया आपका यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब ये जो आई वन है इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर वन में चल के प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लेस करने के बाद जो भी आएगा उसको एक इंडेफिनिट कांस्टेंट सी के साथ हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, दैट इज़ योर फाइनल आंसर हो जाएगा। खैर, तो टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस आई वन, आई वन की वैल्यू रख दीजिए, क्या है आपका, दैट इज टू साइन इनवर्स एक्स या टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और माइनस का टू एक्स और प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।